कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम से संक्रमण को रोकने में काफी सफलता मिली है। ICMR का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों डोज लेने वाले केवल 0.4% लोग यानी कि 10,000 वैक्सीन लेने वाले लोगों में केवल 2 से 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय देश में अभी कोरोना के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लग रहा है। वैक्सीन के उपयोग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर VK Paul ने कहा कि हमारी रिसर्च का डेटा बहुत कम है, भले ही लोगों को संक्रमण हो रहा हो लेकिन ये हमें कोरोना की गंभीर बीमारी की राह पर नहीं ले जा रहा है। हम व्यवस्थित रूप से और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ICMR ने कहा, वैक्सीन की दूसरी डोज देने के बाद भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे मामले बहुत कम हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित होने के मामले करीब 0.4% है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने के बाद 0.03% लोग ही कोरोना संक्रमित हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि ये डेटा उन लोगों का है जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के कुछ दिन के भीतर संक्रमित हुए। पहली डोज लेने के बाद का आंकड़ा भी करीब करीब इसी के बराबरी है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद प्रति 10,000 लोगों में से 2-4 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों का प्रतिशत बेहद कम है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कोवैक्सीन की 1.1 करोड़ डोज लगाई गई है। इनमें से लगभग 93 लाख लोगों को पहली डोज लगाई गई है। इनमें से 4,208 लोग वैक्सीनेशन के बाद फिर से संक्रमित पाए गए, जबकि लगभग 17 लाख लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी गई जिसमें केवल 695 में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।